माननीय कोर्ट उनका जो सर्वे का जो अपना तरीका है वही स्पष्ट कर देगा, वहां तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं, स्थिति आएगी वहां है, वो तो शास्त्र हमारा एविडेंस है कि वहां है। इसके ऊपर इन्होंने जो भी अपराध किया है वो पवित्र शिवलिंग को फवारा बोलकर, तो वो फवारा अपना आज भी वो साबित कर सकते हैं, जाके वो फवारा चला सकते हैं या उस समय चलाया जाता रहा है, इसका कोई इनके पास भी प्रमाण है कि आप फवारा बोल देंगे तो हो जाएगा, हम पर्वत बोल देंगे पहाड़ है तो पहाड़ बन जाएगा, उसके लिए मुझे कुछ प्रस्तुत करना पड़ेगा, तो वो कृपया अपना कुछ प्रस्तुत करें कि वो फवारा था, फवारा होने का किसी प्रकार का कोई उनके पास अगर एविडेंस है तो कह सकते हैं। 70 वर्षों तक इन्हें कहा ना कि पहले दबा की भी ठोका देश में, 70 वर्षों तक जो मजाक बनता रहा हिंदू सनातन के ऊपर में, आज उसी को भुगत रहे हैं। राम की धरती में राम को ढूंढना पड़ रहा है, सनातन की धरती में शिव को उन्हें प्रमाण करना पड़ रहा है, हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है, ये हमारी सभ्यता का परिचय है। जो हम हमेशा दयाशीलता क्षमाशीलता सबको लेके गले लगा के चलना, ये तो हमारा धर्म ही, हमारा प्रशिक्षण है, ये हमारा संस्कार है। समय देखा जाए वहां तक पहुंचेगा कोर्ट, उसके बाद हम पवित्र शिवलिंग ऐसे प्रमाणित हो जाएगा, वहां तक आने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट जो भी काम कर रही है उन पर हमें भरोसा है, निश्चित रूप से वहां तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं, पूरा सर्वे प्रमाणित कर देगा और ये हमारा शिवलिंग फिर हमें सुपुर्द किया जाएगा, ये हमें पक्का विश्वास। ठीक है नाजिम खान जी, अब न्यायालय पर कोई भी